नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा इस वक्त जोर शोर से गूंज रहा है। इस पर हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा है और इसी के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने भी इस पर अपनी बात रखी है और साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी पर, CAA पर, लगभग हर मुद्दे पर उन्होंने एक न्यूज चैनल को जब इंटरव्यू दिया तो उसमें अपनी राय रखते हुए वो नजर आए। सबसे पहले उन्होंने ज्ञानवापी मामले पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, राम मंदिर मामला था जो सुलझ गया, दूसरे लंबित मामले भी सुलझने चाहिए। ज्ञानवापी मंदिर है या नहीं जानना जरूरी है और हर हिंदू को जानने का हक है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद चर्चा होनी चाहिए, आपस में मामलों को सुलझाना जरूरी है। देश की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है, कांग्रेस का नाम सुनकर लोग अब चिढ़ते हैं, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की सियासत की है। फिर उनसे पूछा गया कांग्रेस को लेकर सवाल, तो उन्होंने जवाब दिया, 2031 तक कांग्रेस में कोई नहीं रहेगा, उसका वजूद खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा कोई नहीं कह सकता, वो रिसर्च का विषय है। राहुल गांधी पर आप ये नहीं कह सकते कि वो जो कहेगा वो वही करेगा। कांग्रेस के वन फैमिली वन टिकट पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस चिंतन शिविर से हमारा क्या लेना देना, कांग्रेस में परिवारवाद है और ये परिवारवाद कभी भी खत्म नहीं हो सकता। फिर उनसे ओवैसी के भाई को लेकर सवाल हुआ। आपको याद होगा हाल ही में ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब के मजार पर चादर चढ़ाने के लिए पहुंचे थे, इसी को लेकर उन्होंने जबरदस्त तरीके से तंज कसा और उन्होंने कहा, कोई औरंगजेब की मजार पर भी जा सकता है क्या? आज आप औरंगजेब की मजार जाएंगे, कल आप कहेंगे कि आप अलकायदा के मजार पर जाना चाहते हैं। आप देश के सांसद भी हैं, जिस औरंगजेब ने देश को तबाह कर दिया उनके मजार में आप क्यों जाते हो? अगर वो आपका पिता है तो जाइए, मैं आपत्ति नहीं करूंगा, लेकिन यदि नहीं है तो फिर क्यों जाते हो? आप उससे क्या प्रेरणा लोगे? आप शिवाजी महाराज से प्रेरणा लीजिए, आप लाचित बोरफकन से प्रेरणा लीजिए, औरंगजेब से प्रेरणा लेकर क्या आप देश को औरंगजेब के जमाने में लेकर जाना चाहते हो? तो इस तरह से हिमंता बिस्व शर्मा ने कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर अपनी राय रखी है। ओवैसी पर उन्होंने तीखा हमला बोला है, ओवैसी के भाई को उन्होंने लताड़ा है। आप उनके इस बयान पर क्या राय रखते हैं, कितने सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।